डॉक्टर स्वीटी आयुर्वेदा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है डैक्रियोसिस्टाइटिस। तो डैक्रियोसिस्टाइटिस का मतलब क्या होता है? डैक्रियोसिस्टाइटिस का मतलब है इन्फ्लामेशन ऑफ लैक्राइमल सैक। ठीक है, आईटिस, जहाँ भी आईटिस वर्ड लगा होता है उसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन। तो यहाँ पे डैक्रियोसिस्टाइटिस है, दैट मीन्स इसका मतलब हो गया कि जो लैक्राइमल सैक है उसके अंदर क्या हो गया है, इन्फ्लामेशन हो गया है। तो इस टॉपिक को समझने से पहले हमें थोड़ा सा आई के बारे में, यानी जो लैक्राइमल सैक है उसकी थोड़ी सी पोजीशन और उसके आसपास की जो स्ट्रक्चर्स है उसके बारे में पता होना चाहिए। तो पहले हम उसको समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे कि ये हमारी आई है, ठीक है, और ये हमारा नेज़ल पोर्शन है, यानी कि ये हमारा नोज़ है। ठीक है, तो ये जो आई है यहाँ पर क्या होगा, ये नेज़ल पोर्शन है। ठीक है, जैसे ये नोज़ है तो यहाँ पर क्या होता है, ओपनिंग्स होती हैं आई के इनर कैंथस पर। जैसे नोज़ की साइड में क्या है, इनर कैंथस है, तो यहाँ पर जो ये ओपनिंग्स होती हैं इनको पंक्टम बोलते हैं। फिर यहाँ से जो है कैनालिक्युली निकली रहती है, ठीक है, ऊपर से भी और नीचे से भी। और फिर ये कैनालिक्युली जो होती हैं कहाँ जाती हैं, यहाँ पर हमारा होता है लैक्राइमल सैक। ठीक है, लैक्राइमल सैक होता है। फिर लैक्राइमल सैक जो है फिर उससे बनता है आगे लैक्राइमल नेजो लैक्राइमल डक्ट, यानी कि जो नोज में जाएगा। और ये हमारा नोज़ वाला पोर्शन है, यानी कि ये हमारा नोज़ है। ठीक है, जैसे ये हमारा नोज़ है, ठीक है, और ये है हमारा लैक्राइमल सैक और ये है नेजो लैक्राइमल डक्ट। ठीक है, तो ये जो सैक है, यानी कि जो हमारी आईज है, ठीक है, जैसे ये हमारा आई है, आई का ये इनर कैंथस है, तो यहाँ पर जो नोज़ है यहीं पर ही क्या होती है, हमारी लैक्राइमल सैक प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये लैक्राइमल सैक है, ये ऊपर, ये जो इसके अंदर आईज के अंदर जब ये ओपनिंग्स जो आती हैं ये पंक्टम कहलाते हैं, और ये कैनालिक्युलीज है और ये है नेजो लैक्राइमल डक्ट। ठीक है, तो इस चीज़ को हमें समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे ये हमारी आई है, ठीक है, तो अब हम इसे देखते हैं। सबसे पहले टाइप्स, जो डैक्रियोसिस्टाइटिस होता है इसके टू टाइप्स हैं, एक एक्यूट और एक क्रॉनिक। तो एक्यूट यानी जो पहले हो, ठीक है, और क्रॉनिक अब थोड़ा जब ये जो डैक्रियोसिस्टाइटिस है पुराना हो जाता है तो उसी को ही क्रॉनिक बोला जाता है। ठीक है, तो आयुर्वेद में जो पुयालस नामक व्याधि है उसी का ही मॉडर्न में, इसी को ही मॉडर्न में एक्यूट डैक्रियोसिस्टाइटिस बोला जाता है। ठीक है, तो अब इसमें होता क्या है, तो एक्यूट डैक्रियोसिस्टाइटिस, ठीक है, यानी कि एक्यूट फॉर्म जो है, तो यह इट इज़ एन एक्यूट सुपुरेटिव इन्फ्लामेशन ऑफ लैक्राइमल सैक। ठीक है, यानी कि ये एक्यूट और सुपुरेटिव इन्फ्लामेशन है किसका, लैक्राइमल सैक का। यानी लैक्राइमल सैक में जब एक्यूट यानी अचानक से एक्यूट यानी कि इनिशियली कोई इन्फ्लामेशन हो जाती है, और इन्फ्लामेशन का मतलब ही होता है स्वेलिंग हो जाना, रेडनेस होना, पेन होना, ठीक है, और टेम्परेचर इंक्रीज होना। क्योंकि इन्फ्लामेशन के आप लोगों ने भी पढ़े होंगे, इन्फ्लामेशन के फोर फाइव साइंस होते हैं। ठीक है, जैसे कि उसमें क्या होता है, रेडनेस होती है, टेम्परेचर होता है इंक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है, और मतलब इसमें पेनफुल होता है। ठीक है, यानी कि फोर साइंस होते हैं जो इन्फ्लामेशन है उसके, कितने हैं, फोर साइंस प्रेजेंट होते हैं। तो वो सारे साइंस क्या होते हैं, इसमें प्रेजेंट रहते हैं। एंड लैक्राइमल सैक कैरेक्टराइज्ड, ठीक है, कैरेक्टराइज बाय प्रेजेंस ऑफ अ पेनफुल, ठीक है, पेनफुल स्वेलिंग इन द रीजन ऑफ सैक, यानी कि सैक रीजन में। जैसे कि अगर हम ऊपर से बाहर से देखेंगे तो ये हमारा सैक रीजन इधर होता है इनर कैंथस की तरफ, ये आउटर कैंथस होता है, ये इनर कैंथस है, तो इनर कैंथस की तरफ क्या होता है, स्वेलिंग हो जाती है। और वो स्वेलिंग कैसी होती है, पेनफुल। ठीक है, यहाँ पे कोई स्वेलिंग है और वो कैसी है, पेनफुल, यानी कि इसमें पेन भी होता है और स्वेलिंग भी रहती है, तो उसी को ही हम बोलते हैं एक्यूट डैक्रियोसिस्टाइटिस। अब इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, इसकी इटियोलॉजी यानी क्यों ये हो जाता है, तो इसमें क्या है, इन्फेक्शन ऑफ सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स, यानी कि इसके आसपास, जैसे यहाँ लैक्राइमल सैक है तो इसके आसपास की स्ट्रक्चर्स में अगर क्या हो जाता है, कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है, तो वो इन्फेक्शन कहाँ तक पहुँच सकता है, इस सैक तक भी पहुँच सकता है। तो इसीलिए अगर सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स में कोई भी इन्फेक्शन है तो वो इन्फेक्शन जो है कहाँ तक भी पहुँच सकता है, लैक्राइमल सैक, यानी कि लैक्राइमल सैक तक भी जा सकता है। तो वो कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स हैं, पैरानेजल साइनस है, ठीक है, फिर कंजेक्टाइवा, कंजेक्टाइवा में भी कोई भी अगर से आई से कनेक्शन है तो कंजेक्टाइवा में अगर कोई इन्फेक्शन है, यानी कंजेक्टिवाइटिस अगर किसी को हो गया है, फिर डेंटल एप्सिस, यानी कि वो भी अपर जॉ के, क्योंकि अपर जॉ इसके ज़्यादा नज़दीक है, तो डेंटल एप्सिस और
मतलब कैरीज टीथ यानी कि अपर कैरीज टीथ इन अपर जॉ, यानी कि अपर जॉ जो है इसमें अगर किसी टीथ में जो है क्या है कैरीज यानी कि किसी दांत में अगर कीड़ा लगा हुआ है या फिर डेंटल एप्सिस यानी फिर या फिर कोई एप्सिस बना हुआ है जो अपर जॉ के जो मतलब टीथ होते हैं अगर वहाँ पर कोई एप्सिस बना है या फिर वहाँ पर कैरीज प्रेजेंट है किसी टीथ में तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है हमें डेक्रियोसिस्टाइटिस हो सकता है। अब मेन क्या है, अब ये इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन की वजह से होता है क्योंकि देखो इन्फेक्शन बताया गया है तो ऑब्वियसली इसमें कोई कॉजिटिव एजेंट प्रेजेंट होगा जिसकी वजह से ये इन्फ्लामेशन होती है। तो कौन सा इसमें जो कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म मतलब ऑर्गेनिज्म है वो है स्टेफाइलोकोकस, ठीक है, स्टेफाइलोकोकस कैटेगरी का या फिर न्यूमोकोकस या फिर कुछ और भी हो सकता है लेकिन मेन जो ये इन्फ्लामेशन होती है वो स्टेफाइलोकोकस और न्यूमोकोकस की वजह से होती है। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे इसकी स्टेजेस, अब हम देखेंगे डैक्रोसिस्टाइटिस की स्टेजेस। तो डैक्रोसिस्टाइटिस जो है इसकी 3 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट है स्टेज ऑफ सेल्युलाइटिस, नेक्स्ट है स्टेज ऑफ लैक्रिमल एब्सिस, फिर नेक्स्ट है स्टेज ऑफ फिस्टुला फॉर्मेशन। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि जब किसी को भी क्या होता है डैक्रोसिस्टाइटिस यानी कि जो लैक्रिमल सिस्ट है, ठीक है, उसमें क्या होता है इन्फ्लामेशन अगर होगा तो किसी भी चीज़ में जब इन्फ्लामेशन होता है जैसे हमारा हाथ ही है या कहीं पर भी कभी मतलब कोई स्वेलिंग हो गई है फिर हम उसको ट्रीट ना करें उसको वैसे ही रहने दें तो वहाँ पर क्या हो सकता है एब्सिस बन सकता है यानी पस पस जमा हो सकती है। देन उसके बाद क्या करते हैं अगर तब भी उसको ट्रीट नहीं किया जाए तो वहाँ पर क्या हो जाता है ओपनिंग बनने लगती है, ठीक है, जिससे कि पस क्या होता है बाहर निकले। तो ऐसे ही ये जो है लैक्रिमल जो हमारा लैक्रिमल सिस्ट का इन्फ्लामेशन है तो वो भी इसी तरह का यानी डैक्रोसिस्टाइटिस जो है वो भी इसी तरह का है और उसमें 3 स्टेजेस हैं। फर्स्ट है स्टेज ऑफ सेल्युलाइटिस यानी कि इसमें इन्फ्लामेशन सबसे पहले हमें दिख रहा है कि सेल्युलाइटिस आइटिस दैट मीन्स कि इसमें क्या हो रहा है इन्फ्लामेशन यानी फर्स्ट स्टेज जो सेल का इन्फ्लामेशन है, ठीक है, सेल्युलाइटिस। तो उसमें क्या होगा इसमें जो है पेनफुल स्वेलिंग विद एपिफोरा, ठीक है, पेनफुल स्वेलिंग होगी यानी वहाँ पर पेन होगा, ठीक है, वहाँ पे स्वेलिंग भी रहेगी और उसके साथ एपिफोरा यानी कि कॉन्टिन्यूस आई से क्या है वाटरिंग होती रहेगी यानी कि जो आईज में जो वाटर बनता है यानी जो टीयर्स होते हैं जो टीयर्स बनते हैं वो कहते हैं कॉन्टिन्यूस आई से वाटर निकलता रहेगा, ठीक है, उसे बोलेंगे एपिफोरा। नेक्स्ट इसमें क्या होगा कि स्वेलिंग इन रेड हॉट मतलब स्वेलिंग इज रेड हॉट टेंडर एंड फर्म, ठीक है, जो स्वेलिंग होगी वो रेड होगी, ठीक है, हॉट होगी टेंडर होगी और फर्म होगी, ठीक है। तो अब इसके बाद फिर इसमें क्या होगा रेडनेस एडिमा ऑल्सो स्प्रेड टू द लिप्स एंड चीक्स, ठीक है। तो इसमें जो क्या होगा देखो सबसे पहले क्या है जब लैक्रिमल सिस्ट जो है वो हमारी कहाँ पर है यहाँ पर आइज के जो इनर कैंथस है वहाँ पर नोज के साइड में क्या होती है लैक्रिमल सिस्ट रहती है। तो अभी हमने इस डायग्राम में भी देखा था कि जो लैक्रिमल सिस्ट होती है उसमें क्या होता है कि ये कैनालिकुली मतलब इसमें इन्फ्लामेशन होगा, जब इसमें इन्फ्लामेशन होगा तो साथ साथ में क्या होगा ये लिप्स और चीक्स में भी ये स्प्रेड होगा यानी कि आईज जब यहाँ पर है तो लिप्स में यानी जो हमारी आई लिप्स है वहाँ पर भी ये स्प्रेड होगा और जो चीक्स है हमारे वहाँ पर भी ये स्वेलिंग क्या है जा सकती है, ठीक है, ये सब इसमें होगा, ये फर्स्ट स्टेज है हमारी, ठीक है। तो अब फर्स्ट स्टेज में क्या है ये इन्फ्लामेशन यानी आईटिस की स्टेज है तो इसमें रेडनेस होगी क्योंकि जो इन्फ्लामेशन के साइन होंगे वो सभी हमें यहाँ पर मिलेंगे यानी कि रेडनेस होगा पेन होगा हॉट होगा, ठीक है, टेम्परेचर इसमें इंक्रीज हो गया और स्वेलिंग हमें मिलेगी। नेक्स्ट जो है हमारा आता है स्टेज ऑफ लैक्रिमल एब्सिस। अब क्या होगा जब कहीं पर भी स्वेलिंग होती है उसको हम ट्रीट नहीं कर रहे तो फिर वहाँ पर एब्सिस यानी कि पस का फॉर्मेशन होने लगता है एब्सिस बनने लगता है। तो ऐसे ही इसमें भी होगा जैसे कि कॉन्टिन्यू इन्फ्लामेशन कॉज ऑक्यूलेशन मतलब क्या होगा कॉन्टिन्यूस जब यहाँ पर ये जो हमारा लैक्रिमल सिस्ट है, ठीक है, यहाँ पर जब कॉन्टिन्यूस इन्फ्लामेशन होता ही रहेगा हम उसको ट्रीट नहीं कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या होगा धीरे धीरे पस फॉर्मेशन होगा और वहाँ पर ऑक्यूलेशन हो जाएगा, ठीक है, ऑफ द कैनालिकुली ड्यू टू एडिमा। ठीक है, क्या होगा जैसे स्वेलिंग कॉन्टिन्यूस बनी हुई है जब कॉन्टिन्यूस स्वेलिंग बनी हुई है तो वो क्या करेगा जो हमारी ये कैनालिकुली जो आइस जो हमारी ये कैनालिकुली है जो कि आइज में जा रही है तो जब इसमें कॉन्टिन्यूस स्वेलिंग होगी तो इसके आसपास के एरिया में भी वहाँ पर भी स्वेलिंग होगी तो वो उस स्वेलिंग की वजह से ये जो है ये दोनों जो कैनालिकुली हैं क्या हो जाएंगी ब्लॉक हो जाएंगी, ठीक है, फिर ऑफ द कैनालिकुली ड्यू टू अडीमा तो अडीमा की वजह से ये दोनों जो कैनालिकुली हैं ये ऑक्यूलेशन हो जाएगा इनका, ठीक है, और सैक फिल्ड विद पस डिस्टेंडेड एंड एंटीरियर वॉल रप्चर फॉर्मिंग पेरिसिस्टिक स्वेलिंग। तो इसमें क्या होगा, ठीक है, जो कैनालिकुली है इनका ऑक्यूलेशन हो चुका है फिर क्योंकि इन्फ्लामेशन हुआ था इसमें तो इसमें पस का फॉर्मेशन हो गया है, ठीक है, पस फॉर्मेशन हो गया था ये डिस्टेंडेड भी हो गई है,
ठीक है, डिस्टेंडेड हो गई है एंड एंटीरियर वॉल रप्चर, जो इसकी एंटीरियर वॉल है, जो हमारे सिस्ट की जो एंटीरियर वॉल है वो रप्चर हो जाती है, और रप्चर होने के साथ साथ फॉर्मिंग पेरीसिस्टिक स्वेलिंग, यानी जो सिस्ट है लैक्राइमल, जो ये लैक्राइमल हमारा सिस्ट है, जो लैक्राइमल सैक है, इसके चारों तरफ क्या होगा, स्वेलिंग कर देगा ये, ठीक है, मतलब पेरीसिस्टिक स्वेलिंग यहाँ पर फॉर्म हो जाएगी। अब इसके बाद क्या होता है, जब इस स्टेज में भी यानी कि एप्सिस का फॉर्मेशन हो गया है, तो इस स्टेज में भी अगर हम इसको ट्रीट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि पहले स्वेलिंग हुई थी, स्वेलिंग होने के बाद भी हमने उसको ट्रीट नहीं किया, ठीक है, इन्फ्लामेशन होने के बाद भी इसको ट्रीट नहीं किया, तो वहाँ पर पस का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। अब पस का फॉर्मेशन हो गया लेकिन फिर भी हम इसको ट्रीट नहीं कर रहे हैं, इसको ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं, तो ये थर्ड स्टेज में पहुँच जाता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट और है कि लार्ज फ्लक्चुएंट स्वेलिंग द लैक्राइमल एप्सिस इज फॉर्म, वही बात है यहाँ पे, जो हमने भी पढ़ ली है, यहाँ पर क्या है, एप्सिस फॉर्म हो जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा स्टेज ऑफ फिस्टुला फॉर्मेशन। तो फिस्टुला मतलब क्या होता है, फिस्टुला वो होता है जिसमें दो ओपनिंग्स होते हैं, यानी कि दो स्ट्रक्चर्स को कनेक्ट कर देता है, यानी कि जैसे मानो हमारे यूरिनरी, जैसे कि हम ऐसे बोल सकते हैं कि यूरिनरी ब्लैडर है और रेक्टम है, दोनों अलग अलग पाउच है, लेकिन अगर उनके बीच में कोई एक कनेक्शन बन जाए या कोई एक्सटर्नल मतलब ओपनिंग, मतलब यानी कि जिसकी दो ओपनिंग हो, यानी कि दो चीज़ों को कनेक्ट कर दे, वो फिस्टुला है, ठीक है। तो सिस्ट ऑफ मतलब स्टेज ऑफ फिस्टुला फॉर्मेशन, तो थर्ड स्टेज स्टेज ऑफ फिस्टुला फॉर्मेशन है। तो इसमें क्या होगा, व्हेन एप्सिस इज अनट्रीटेड इट डिस्चार्ज्ड स्पॉन्टेनियसली लीविंग एन एक्सटर्नल फिस्टुला, ठीक है। जैसे कि हमें मानो हाथ पर ही कोई स्वेलिंग हुई है, वहाँ पे पस फॉर्मेशन हो गया, तो एक स्टेज ऐसी भी आएगी लास्ट में जाके कि वो पस बाहर निकलने लगेगी, यानी कि जो उसके अंदर जो एक मटेरियल है जो बन गया है, अब उस वो बाहर निकल रहा है, तो वो किसी एक एक्सटर्नल ओपनिंग की वजह से क्या होगा, बाहर निकलेगा, तो यानी कि उसमें फिस्टुला का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन, ठीक है। यानी कि एप्सिस को अगर हमने अनट्रीटेड रखा है, यानी इसको ट्रीट नहीं कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर ही एप्सिस है, हम उसको ट्रीट नहीं कर रहे हैं, तो उसके अंदर पस बन चुकी है, तो पस क्या करेगी, इट डिस्चार्ज्ड, अब उस पस वो पस बाहर भी निकलने की कोशिश करेगी, तो वो डिस्चार्ज कैसे होगी, स्पॉन्टेनियसली, मतलब खुद डिस्चार्ज होगी, लिविंग एंड एक्सटर्नल ओपनिंग, यानी कि खुद ब खुद ही एक एक्सटर्नल ओपनिंग बना लेगी, और उस एक्सटर्नल ओपनिंग को बनाकर वहाँ से खुद ब खुद ही वो पस क्या होगी, बाहर निकल जाएगी। तो वो बाहर निकलेगी किस स्ट्रक्चर से, फिस्टुला, ठीक है। तो उसको बोलेंगे कि फिस्टुला फॉर्म करेगी, और फिस्टुला जो फॉर्म किया है उसने एक्सटर्नल ओपनिंग वाला, तो वहाँ से क्या होगा, ये पस डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है। तो कॉम्प्लिकेशन यानी कि अगर ये डिजीज़ बहुत पुरानी हो जाती है या फिर इसको हम ट्रीट नहीं कर रहे हैं, तो उसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हमें हो सकते हैं, तो इसमें हो सकता है ऑस्टियोमाइलाइटिस, ठीक है, ऑफ द लैक्राइमल बोन, जो हमारी लैक्राइमल बोन है आइज़ में, उसका हमें ऑस्टियोमाइलाइटिस हो सकता है, ठीक है। ऑर्बिटल सेलुलाइटिस, यानी क्योंकि आइज़ जो है वो ऑर्बिट में है, और ये जो लैक्राइमल सिस्ट हो रही है, यानी जो लैक्राइमल मतलब डैक्रोसिस्टाइटिस जो हो रहा है, वो हमारा ऑर्बिट के पास में ही हो रहा है, तो ऑर्बिटल सेलुलाइटिस भी हमें हो सकता है, या फिर लिड एप्सिस, ठीक है। जैसे यहाँ लैक्राइमल जो हमारी सेक है उसमें इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो उसी के पास में ही हमारी लिड्स है, क्योंकि अभी हमने देखा था कि लिड्स में भी स्वेलिंग हो जाती है, कभी कभी चीक्स में भी स्वेलिंग पहुंच जाती है, तो यानी कि जब लिड्स में स्वेलिंग पहुंच चुकी है तो वहां पर एप्सिस भी डेवलप हो सकता है, तो यानी लिड एप्सिस भी हमें हो सकता है। फिर साथ ही साथ में एक्यूट कंजेक्टिवाइटिस, ठीक है, मतलब क्योंकि आइज़ है, आइज़ के पास में ही हमारा लैक्राइमल सैक है, लैक्राइमल जो हमारा सैक इन्फ्लामेशन हो चुकी है, तो जो हमारी कंजेक्टाइवा है उसमें भी ये इन्फेक्शन पहुँच सकता है और हमें एक्यूट कंजेक्टिवाइटिस हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है, जब ये किसी को मतलब इसका ट्रीटमेंट क्या करना है, तो इसका जो ट्रीटमेंट है नॉर्मली, जैसे अगर किसी को इनिशियली पता चला है कि उसको डैक्रोसिस्टाइटिस है, तो उसमें हॉट कंप्रेशन देना है 3 to 4 times डेली, मतलब हॉट कंप्रेशन देना है हमें आइस के यहाँ पर, जैसे जो जिधर भी साइड में डैक्रोसिस्टाइटिस हो रहा है, इनिशिएट हो रहा है, ठीक है, फर्स्ट स्टेज में ही है अभी, तो वहाँ पर हम हॉट कंप्रेशन दे सकते हैं दिन में 3 to 4 times, जिससे कि वो स्वेलिंग क्या हो जाए, कम हो जाए। नेक्स्ट इसमें है कि उसमें एंटीबायोटिक्स हम उसको देंगे और एनाल्जेसिक्स, क्योंकि उसको पेन हो रहा है, ठीक है, तो पेन के लिए एनाल्जेसिक देंगे, और फिर उसके इन्फ्लामेशन को, स्वेलिंग को कम करने के लिए एंटीबायोटिक्स हम उसको देंगे, क्योंकि ये जो इन्फेक्शन हो रहा है ये किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही हो रहा है, इसीलिए इसमें एंटीबायोटिक्स दी जाएंगी। नेक्स्ट है इसमें कि अगर लैक्राइमल एप्सिस किसी को हो जाता है, ठीक है, लैक्राइमल एप्सिस यानी कि जब उसमें एप्सिस फॉर्मेशन हो जाएगा, तो क्या करेंगे हम, जो लैक्राइमल सैक है इसमें एक वर्टिकल इंसीजन लगाएंगे, ठीक है, वर्टिकल इंसीजन हम इसमें लगाएंगे, फिर गिवन ओवर द सैक एरिया, जैसे कि सैक का एरिया है,
जैसे ये हमारे आईज है, आई में यहाँ पर सैक होगी, लेक्राइमल सैक, और ये स्वेलिंग हो गई है, तो स्वेलिंग होगी तो हमें यहाँ फील होगी, पता चलेगा, फिर उसको क्या करेंगे, वहाँ पर एक वर्टिकल इंसीजन, यानी वर्टिकल क्या करेंगे, इंसीजन लगाएंगे। इंसीजन लगाने के बाद जो सैक का एरिया है वहाँ पर, फिर पस इज ड्रेन आउट, फिर उसमें से जो पस है उसको क्या करेंगे हम, ड्रेन आउट, यानी कि हम उसको बाहर निकाल देंगे। तो ट्रीटमेंट में ये भी कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट इसमें हम अभी देख रहे हैं कि इसमें और क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अभी हमने देखा था कि इसका जो ट्रीटमेंट है, ठीक है, तो जो इसकी फर्स्ट स्टेज है उसमें क्या करते हैं, जब भी डायक्रोसिस्टाइटिस होता है तो उसकी जो फर्स्ट स्टेज है उसके अंदर हॉट कंप्रेशन देते हैं। फिर अगर एप्सिस यानी सेकेंड स्टेज का फॉर्म, जब सेकेंड स्टेज आ जाती है, ठीक है, अगर उसमें हमें ट्रीटमेंट करना है तो उसमें हमें क्या करना है, उसमें एक इंसीजन देना है और जो पस है उसको क्या करना है, ड्रेन आउट करना है। लेकिन अब क्या करना है, अब इसमें जो है थर्ड स्टेज में पहुँच चुका है, तो थर्ड स्टेज में क्या होता है, लेक्राइमल फिस्टुला, यानी कि फिस्टुला का फॉर्मेशन हो जाता है। तो उस फिस्टुला को का ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे, उस फिस्टुला को कैसे ठीक करेंगे जब थर्ड स्टेज में पहुंच गए हैं। तो जब थर्ड स्टेज में पहुंचते हैं तो वहां हम करते हैं फिस्टुलेक्टोमी, ठीक है। तो जहां पर भी एक्टोमी वर्ड आता है, यहां पर हमें ध्यान देना है कि जहां पर भी कहीं पर भी अगर एक्टोमी वर्ड आया तो दैट मीन्स कि रिमूवल। तो यानी कि यहां पर फिस्टुला का क्या करना है हमें, रिमूवल, यानी फिस्टुला को ही बाहर निकाल देना है या उसको ठीक कर देना है। कैसे करेंगे, अलॉन्ग विद द डीसीटी, ठीक है। डीसीटी का क्या मतलब है, डेक, इसका देखो, डेक्रोसिस्टेक्टोमी। तो यहाँ पर भी टू वर्ड्स हैं, डेक्रोसिस्टेक्टोमी, एक्टोमी, ठीक है। तो डेक्रोसिस्ट मतलब जो है हमारा लेक्राइमल सैक है, और एक्टोमी का जहाँ भी एक्टोमी वर्ड आया, क्योंकि यहाँ पर भी फिस्टुलेक्टोमी है, एक्टोमी, तो डैट मीन्स की रिमूवल, तो यहाँ पर भी डेक्रोसिस्टेक्टोमी है, यानी कि यहाँ पर हमें जो लेक्राइमल सैक है उसका क्या करना है, रिमूवल करना है, ठीक है। तो एक्टोमी वर्ड जहाँ पर है उसका मतलब होता है कि रिमूवल करना, तो यहाँ पर जो है हम डेक्रोसिस्टाइटिस पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर डेक्रोसिस्टेक्टोमी करेंगे, यानी कि जो लेक्राइमल सैक है उसका रिमूवल करेंगे। या फिर एक और प्रोसीजर होता है जो कि है डीसीआर, यानी कि डेक्रोसिस्टोराइनोस्टोमी। तो यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी वर्ड्स आए हैं, डेक्रोसिस्टेक मतलब सिस्टो राइनोस्टोमी, अब यहाँ पे जो है राइनो, ठीक है, राइनो, और फिर ओस्टोमी, यहाँ पे थ्री वर्ड्स आए हैं। तो थ्री वर्ड्स को मिला के हम पता कर सकते हैं कि डेक्रो दैट मीन्स कि लेक्राइमल सैक, राइनो दैट मीन्स कि नोज, और ओस्टोमी। तो जहाँ पर भी ओस्टोमी वर्ड आता है तो वहाँ पर मतलब होता है कि कहीं पर भी ओपनिंग बनाना, ठीक है, कट करके क्या करते हैं, ओपनिंग बना देते हैं। ये ओपनिंग जो होती है नेचुरल नहीं होती है, ये हम अपनी सुविधा के लिए या किसी भी ट्रीटमेंट या किसी भी डिजीज़ को सही करने के लिए या अपनी किसी भी मतलब सुविधा के लिए इसको क्या करते हैं, बनाया जाता है, इसको खुद बनाया जाता है डॉक्टर के द्वारा। तो ये जो यहाँ पर जो ओपनिंग्स बन रही हैं वो कहाँ बन रही है, डेक्रो यानी कि लेक्राइमल सैक, और राइनो यानी कि नोज, यानी नोज और लेक्राइमल सैक के बीच में कोई ओपनिंग हम बना देते हैं जिससे कि टीयर्स जो है वो ब्लॉक ना हो और उनका पाथ कहीं पर बन जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो प्रोसीजर पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे डेक्रोसिस्टेक्टोमी का, यानी कि हम रिमूवल ऑफ द जो लेक्राइमल सैक है उसका हमें क्या करना है, रिमूवल करना है। तो अब देखो क्या होगा, जब भी कोई प्रोसीजर किया जाता है, ठीक है, तो कोई भी प्रोसीजर करेंगे तो इस उसमें क्या है, बहुत ही सिंपल सा एक मेथड है कि ये एक सर्जिकल मेथड है। तो सर्जिकल मेथड है तो सबसे पहले क्या होगा, वहाँ पर एनेस्थीसिया दिया जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो मेथड है ये डेक्रोसिस्टेक्टोमी का है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, गिवन एनेस्थीसिया यानी कि जो भी एनेस्थीसिया सुटेबल है उस एनेस्थीसिया को क्या करेंगे, वहाँ पर देंगे। कहाँ देंगे, जैसे लेक्राइमल सैक है, लेक्राइमल सैक यहाँ पर है तो इसी एरिया में क्या करेंगे हम, एनेस्थीसिया देंगे। देन उसके बाद क्या करेंगे, वहाँ पर स्लाइडली कर्व्ड इंसीजन देंगे टुवर्ड्स द इनर कैंथस, क्योंकि लेक्राइमल सैक जो है वो इनर कैंथस की तरफ ही होता है। तो वहाँ पर क्या करेंगे, एक इंसीजन देंगे, कैसा इंसीजन, जो कि स्लाइडली कर्व्ड होगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, जब भी हम इंसीजन दे रहे हैं तो पहले तो हमें ऊपर से ही दिख रही है कि पहले हमारी स्किन है, ठीक है, फिर स्किन के बाद आएगी हमारी मसल। तो सबसे पहले सेपरेशन ऑफ स्किन एंड ऑर्बिकुलरिस ऑक्युलाई, ठीक है। ऑर्बिकुलरिस ऑक्युलाई क्या है, एक मसल है, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ही हम इंसीजन देंगे तो हम पहले स्किन को सेपरेट करेंगे, देन उसके बाद जो मसल आएगी उसको सेपरेट करेंगे। फिर उसके बाद मीडियल पैल्पेब्रल लिगामेंट इज एक्सपोज्ड। तो जैसे ही हम इस मसल को भी हटाएंगे तो हमें जो दिखेगा वो हमें क्या दिखेगा, मीडियल पैल्पेब्रल लिगामेंट हमें दिखेगा, जो कि हमें मतलब क्या है, वो एक्सपोज होगा, वो हमें दिखेगा एंड डिसइंसर्टेड। फिर हमें उसे क्या करना है, हम उसे कट भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, वो पूरी तरह से हमारे ऊपर यानी डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन इस प्रोसीजर में हम उसे क्या कर रहे हैं, कट कर दे रहे हैं, ठीक है। देन उसके बाद क्या होगा, लेक्राइमल सैक इज डाइसेक्टेड।
फिर जो हमारा ये मीडियल पैल्पेब्रल लिगामेंट है, इसी के नीचे क्या होती है, हमारी लैक्रिमल सैक प्रेजेंट होती है। तो वो लैक्रिमल सैक अब हमारे हमें मिल चुकी है, अब हमें उसे क्या करना है, डायसेक्ट कर देना है, यानी कि उसको कट कर कर बाहर निकाल देना है। ठीक है, तो जब उसको कट करके बाहर निकालेंगे तो उसमें उसको मतलब ड्रॉन ऊपर की तरफ खींचेंगे, फॉरवर्ड लेंगे, फिर इसको ट्विस्ट करेंगे, और फिर जैसे इसको ट्विस्ट करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। ठीक है, कहाँ से, फ्रॉम द नेजो लैक्रिमल डक्ट, यानी कि वो अपने आप ही टॉर हो जाएगी, यानी टूट जाएगी। फिर उसको हम क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। फिर अब क्या हो गया, हमारा जो काम था वो पूरा हो चुका है, यानी कि जो लैक्रिमल सैक है उसका हमें रिमूवल करना था, हमने इसको रिमूव कर दिया है। तो अब जो इनसीजन है, ठीक है, जो हमने इनसीजन दिया है और जो हमने मसल्स को काटा है, उनको क्या करेंगे, सूचर कर देंगे। तो यानी कि इनसीजन इज क्लोज्ड बाय सूचर, यानी सूचर करके हम क्या करेंगे, इन सारे जो भी स्किन है, मसल है, इसको क्या करेंगे, सूचरिंग कर देंगे। एंड देन उसके बाद जो है वहाँ पर पैड एंड प्रेशर बैंडेज अप्लाई करेंगे, यानी कि वहाँ पर हमें क्या करना है, ड्रेसिंग करनी है, जिससे कि वो प्रोटेक्ट रहे, जो घाव बना है वो क्या हो जाए, ठीक तरह से सही हो जाए। ठीक है, ये जो हो गया हमारा पूरा डेक्रोसिस्टाइटिस है, इसमें हमने ट्रीटमेंट देखा, इसमें हमने इसके स्टेजेस देखे, ये होता क्या है, इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या है, किसमें किस स्टेज में क्या ट्रीटमेंट हमें देना है, वो सब हमने इसमें पढ़ लिया है। अब इससे रिलेटेड अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या आपको कोई और वीडियो चाहिए जो कि मतलब किसी भी टॉपिक पर कोई भी नया वीडियो अगर आप चाहते हैं कि मैं बनाऊं, तो आप वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।